नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जहरीली धुंध पर केंद्र ने बुलाई बैठक, फसल जलाने वाले राज्यों के पर्यावरण मंत्री करेंगे शिरकत। दिल्ली के एलजी का भी सीएम और मंत्रियों के साथ मंथन। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, मुठभेड़ में दो जवान जख्मी। मनकोट और बालाकोट में भी पाकिस्तान ने की फायरिंग। कश्मीर के बांदीपोरा और श्रीनगर में दो स्कूलों में लगाई गई आग, अभी तक घाटी में 34 स्कूलों को जलाया गया। 3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे। इंडिया यूके टेक समिट में थेरेसा मे ने कहा, दुनिया की एक प्रमुख शक्ति और ब्रिटेन का करीबी दोस्त है भारत। आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा और व्यापार क्षेत्र के मुद्दों पर हो सकती है बात। जेएनयू से लापता छात्र नजीब की मां से पुलिस की बदसलूकी पर भड़के केजरीवाल, हिरासत में लेकर पुलिस ने छोड़ा। नजीब की मां ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ छठ पूजा का समापन। बिहार में छठ पूजा के दौरान दो हादसे। दरभंगा में घाट से लौटते वक्त ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की मौत, वहीं मुजफ्फरपुर में डूबे 5 बच्चे। और एशियंस चैंपियन ट्रॉफी जीतकर भारत लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम, स्वदेश लौटी टीम का एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों से स्वागत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।